कि तुम लोग हमारे चमन के अंदर भटक रहे हो। हमें लगता है कि शायद तुम कहीं दूर के मुसाफिर हो, अपना रास्ता भूल रहे हो, इसलिए हम तुम्हें रास्ता बताने के लिए आए हैं और हम तुमसे कुछ मालूम करना चाहते हैं। तो ये आपका चमन है, हम तुमसे कुछ मालूम करना चाहते हैं। क्या मालूम करना चाहते हैं? जरूर चाहता हूं। वाकई में तुम्हारा नाम अगर
चढ़ना है। इसका मतलब आप अपना नाम नहीं बताएंगे। मैं तो अपना परिचय बताता हूँ, मैं अपना परिचय बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि मैं तुम्हारा रास्ता रोक कर क्यों खड़ा हुआ। हमारी बात सुन करके तुम फौरन यहाँ से दफा हो जाना। सुनो मेरी बात, हमारा परिचय इस तरीके से है। जैसे कहते हैं कि शेर के सामने कुत्ते नहीं भौंका करते हैं। अरे शेर की खाल पहनने से कोई भी इंसान शेर नहीं बन जाता है। शेर बनते नहीं, शेर बनते नहीं, शेर पैदा होते हैं। और तुम जैसे कीड़े मकोड़ों के लिए सिर्फ एक ही शेर काफी है। अरे छिपकली कभी मगरमच्छ नहीं हुआ करते भोला। मैं कहता हूँ मेरे रास्ते से हट जा, मेरा रास्ता छोड़ दे। ऊंची आवाज में बात मत कर वरना टांग पर टांग रखकर फाड़ दूंगा। हलक में हाथ डाल के कलेजा खींच लूंगा। मैं तेरा सर कंजा कर दूंगा। कनपटी से कान नोच लूंगा। चले, मैं कह रहा हूँ मेरी भलाई बस इसी में है। भलाई तेरी इसी में है कि मेरा रास्ता छोड़ दे और आइंदा याद रहे कि हमारी और तुम्हारी दोबारा मुलाकात ना हो, वरना मौत की चादर में लपेट कर तेरी लाश पर गुजर जाऊंगा। और चले, मैं कह रहा हूँ लोडिया को मेरे हवाले कर दे वरना तू नहीं जाता है। अभी तक तूने भोला सिंह के चेहरे की मुस्कुराहट देखी है, मुद्दे पर पड़े हुए पल नहीं जो जिंदगी की खेती पर मौत का हल चला देते हैं। ये लड़की मेरे साथ में आई है और मेरे हिस्सा जाएगी। हाँ तो ऐसे बात करो तो कुछ पूरी बेसी मन में आवे। अगर इस लौंडिया को कह रहे हो अपने साथ लाए हो और अपने साथ ले जाना चाहते हो, अगर इसको अपने साथ ले जाना चाहते हो तो कौन रोक रहा है? अगर इसको अपने साथ ले जाना चाहते हो तो बाखुशी इसको अपने साथ ले जाना। हाँ बाखुशी इसको अपने साथ ले जाना, लेकिन 5 मिनट का मौका हमें मिला। ले जाएगा कौन? कोई बात नहीं, लौंडिया चली जाएगी तो चली जाने दो, तुम तो आई हो। सुनो, हमारे बीच में सारे तुम मत बोला करो।
पूरी भी खाते हैं और पराठा के भी बहुत शौक है। मैं कह रहा हूं 5 मिनट के लिए इस लौंडिया को हमारे हवाले कर दो, इस लौंडिया के साथ में हम हैया हैया कर लेंगे, फिर तुम्हें हवाले कर लेंगे। ऊंचे स्वर में गाओ, ऊंचे स्वर में गाओ, क्योंकि शोर भोला सिंह को पसंद नहीं है। मैं कह रहा हूं लौंडिया को मेरे हवाले कर दे। ऐसा कभी नहीं हुआ। बताओ सिंह, हम एक दूसरे से कभी जुदा नहीं हो सकते। बताओ सिंह, हमें लगता है वो एक कहावत हमने सुना है, उस कहावत में कहते हैं कि छीन लो बच्चे ताकत है तो मिल जाएगा, मांगने से तो कुछ भी है मिलता नहीं, और उंगलियां टेढ़ी करनी है पड़ती जभी सीधी उंगली से जब घी निकलता है। अब हमें लगता है इस साले बछड़े का कोटा बदलना भी पड़ेगा, लेकिन एक मौका हर इंसान को हम जरूर देते हैं ताकि वो सुधर जाए। इसको प्यार से पहले समझाते हैं, फिर तो जो कुछ करना होगा वो करेंगे ही। देखो बेटा, मैं तुम्हें समझा रहा हूं, प्यार से समझा रहा हूं, तुम अभी बच्चे हो, उम्र के बच्चे हो। दूसरी बात, तुम एक बहुत ही गरीब इंसान की औलाद हो, और उस इंसान बेचारा बहुत गरीब इंसान है, तेरा ही इस दुनिया में उसको सहारा है। अगर कहीं तू मेरे हाथ से मर गया तो उसका सहारा कौन बनेगा? इसलिए अपने लिए नहीं, अपने बाप के लिए सोच। लौंडिया के चक्कर में अपनी भरी जवानी अपनी जान देना चाहता है, अरे लौंडिया फिर कोई और मिल जाएगी, और जिंदगी एक बार खाने के बाद दोबारा नशीब नहीं होती है। इसलिए प्यार से मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, अच्छे बच्चे अच्छे लड़ाई किया करता हूँ, और आप टाइम पर बात करो, और हम इस लंबिया को घर ले जाकर इसके साथ में हैया हैया करेंगे, और फिर उसके बाद हमका बेटी को जाना है। इसका मतलब लाद के फूल बातों से नहीं मानते हैं, और हम चले तुझे नहीं मान भाई, जमींदार भोला दिल को जो चीज मांगने से नहीं मिलती है, जमींदार भोला दिल को जो चीज मांगने से नहीं मिलती है तो भोला सिंह उसे छी लेता है। मैं कह रहा उसका हाथ छोड़।